Hey everyone, warm welcome you all on Anger Zone. With you all, this is Priyanka, and today's video we are going to talk about The Merchant of Venice, and this is very important play that was written by William Shakespeare. We all know the great dramatist of the एलिजाबेथन एरा, जिनके प्लेज जो हैं, जो आप कॉमेडी की बात कर लो, ट्रेजेडी बात कर लो, या आप क्रॉनिकल प्लेज की बात कर लो, या ट्रेजिक कॉमिक प्लेज की बात कर लो, दीज ऑल प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, दे ऑल आर माइंड ब्लोइंग प्लेज. एंड अभी तक के जितने भी ड्रामेटिस्ट आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में देखोगे, तो विलियम शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम. आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम इंट्रो, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्ले, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस प्ले, ब्रीफ समरी, बहुत ही ब्रीफली समरी भी डिस्कस करेंगे इस प्ले का. इसके साथ साथ वॉट आर दी थीम्स इन्वॉल्व इन दिस प्ले, वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस इन दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू मर्चेंट ऑफ वेनिस. एंड इसके साथ साथ कोटेशंस भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा है. तो प्लीज फ्रेंड्स, कहीं मत जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस प्ले से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विलियम शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विच इज एन कॉमिक प्ले दैट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. एंड फर्स्ट ऑल ऑफ हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं बहुत ही ब्रीफली. एंटोनियो, शेलॉक, पोर्शिया, विशानियो एंड जेसिका, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स. सिर्फ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ही यहाँ पे मैंने मैंशन कर रखा है इस पहले इंट्रोडक्शन में. एंड नेक्स्ट है ओरिजिनल लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में ये वर्क लिखा गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, दैट वॉज रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज. सीरीज फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुआ है 1623 में, क्योंकि जितने भी प्लेज विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं दे ऑल पब्लिश इन द ईयर 1623 इन फर्स्ट फोलियो. सो दिस प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर 1623. नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट की, वॉट इज द सब्जेक्ट मैटर इन दिस प्ले दैट वॉज डिस्कस अबाउट दी डेप्ट. डेप्ट की बात हो रही है, कर्ज की बात हो रही है इस प्ले में विलियम शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस. जैसा आप नेम से भी समझ सकते हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो व्यापारी है वेनिस के, उनसे रिलेटेड है. तो व्यापारी है तो वहाँ कर्ज का लेन देन, पैसे का लेन देन, इस सभी से रिलेटेड इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने डिस्कस करा हुआ है. नेक्स्ट है जॉनर, दिस इज द शेक्सपियरियन कॉमेडी दैट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. एंड सेटिंग, कहाँ का प्ले है, कहाँ का सेटिंग है इन्वॉल्व इस प्ले में. एंड द एरिया एंड द सेटिंग ऑफ दिस प्ले इज इन वेनिस. नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट द ब्रीफ इंट्रो ऑफ दिस प्ले दैट वॉज मर्चेंट ऑफ वेनिस. एंड दिस इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस 16th सेंचुरी का प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है. एंड दिस इज इन विच द मर्चेंट ऑफ वेनिस नेम्ड एंटोनियो डिफॉल्ट्स ऑन अ लार्ज लोन प्रोवाइडेड बाय ज्यूइश मनीलेंडर शाइलॉक. शाइलॉक जो था, जो पैसे उधार देता है शाइलॉक, और एंटोनियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का, वो उससे बहुत ही लार्ज अमाउंट लोन लेता है शाइलॉक से. एंड दिस वॉज द प्ले दैट वॉज रिटन बिटवीन द टाइम ऑफ 1596 टू 1599. ये 1596 से 1599 के मिड में ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है. और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सीज हैं इनके प्ले के राइटिंग ईयर से रिलेटेड, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक ईयर में इन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा है इससे रिलेटेड, कोई एक सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है. दैट्स वाई दिस इंपॉर्टेंट प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर दैट वॉज रिटन बिटवीन द ईयर्स. एंड इसी तरीके से दिस प्ले द मर्चेंट of Venice is written in between the time of the 1596 to 1599, and it is the basic of the text published in the year 1623 in the first folio. Jaisa ki maine abhi starting mein video ke baad ki, ki this play was published in the year 1623 after the death of William Shakespeare by his two friends, जिन्होंने first folio में उनके जो भी important plays थे उनको categorized किया था. That was categorized as ट्रेजिक प्लेज, कॉमिक प्लेज एंड क्रॉनिकल प्लेज, और जिसे हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पोलियो के नेम से जानते हैं. एंड विच एड्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेज डायरेक्शंस मेनली म्यूजिकल क्यूज. यस, ये प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें म्यूजिकल एक मर्सी नाम की जो पोइट्री है, जो कि बहुत ही फेमस पोइटिक एक कन्वर्सेशन होता है जो कि पोर्शिया जो कैरेक्टर है इस प्ले की वो उसको डिलीवर करती है. एंड दैट लाइन्स आर नोन इन इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड एज पोर्ट मर्सी, और उसको हम मर्सी के नेम से जानते हैं. उसमें बात की गई है जब वो शाइलॉक उससे एंटोनियो से
पाउंड ऑफ फ्लेश मांगता है, तो किस तरीके से एक लेसन, एक तरीके का लेसन पोर्शिया सैलॉक को बताती है विद द इंट्रोडक्शन विद द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मर्सी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की जो कि इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने कैरेक्टराइज किया हुआ है, क्योंकि समरी को जानने से पहले, इस प्ले की समरी को डिस्कस करने से पहले हमें कैरेक्टर्स कौन कौन से इस प्ले में इन्वॉल्व हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उनको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटोनियो की। अ प्रोमिनेंट मर्चेंट ऑफ वेनिस इन अ मेलांकोलिक मूड, यहाँ पे ये इस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन हुआ है एंटोनियो, जो कि एक प्रोमिनेंट मर्चेंट है वेनिस का, एंड दिस प्ले इज नेम्ड आफ्टर एज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इस प्ले में, दैट वाज बसानियो, एंटोनियो का क्लोज फ्रेंड होता है एंड सूटर टू पोर्शिया, और ये प्रेमी होता है, लवर होता है पोर्शिया का, लेटर द हस्बैंड ऑफ पोर्शिया। और ये जो एक मेल लीडिंग कैरेक्टर है, लेडी कैरेक्टर है इस प्ले की, जिसको हम पोर्शिया के नेम से जानते हैं, एंड लेटर ऑन बसानियो मैरिज टू पोर्शिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज पोर्शिया हरसेल्फ, अ रिच हेयरेस एंड लेटर द वाइफ ऑफ बसानियो। इस प्ले में बाद में बसानियो और पोर्शिया की शादी हो जाती है, एंड सी इज वेरी मच वेल्दी लेडी इन दिस प्ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज नेरिसा, पोर्शिया की मेडिंग वेटिंग मेड होती है, इन लव विद ग्रेटियानो, लेटर द वाइफ ऑफ ग्रेटियानो डिस्गाइज़ेस हरसेल्फ एज पोर्शियाज क्लर्क। जब यहाँ पे कोर्ट का सीन होता है इस प्ले में, तो ये जो नेरिसा होती है, जो वेटिंग मेड होती है पोर्शिया की, वो असिस्ट करती है पोर्शिया को एज अ पोर्शियाज क्लर्क इन द कोर्ट सीन ऑफ दिस प्ले। जब वहाँ पे कोर्ट सीन, मनी का जो लोन नहीं पे कर पाता है एंटोनियो, उस टाइम पे ये उसकी एक क्लर्क के रूप में काम करती है पोर्शिया के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस ऑफ दिस प्ले इज शेलॉक, अ माइजरली ज्यू, एक यहूदी है, कंजूस यहूदी है, जो कि मनी लेंडर भी होता है, एंड फादर ऑफ जेसिका। शेलॉक वही मनी लेंडर है जिसे एंटोनियो अपने फ्रेंड बसानियो के लिए पैसे उधार लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज जेसिका, डॉटर ऑफ शेलॉक एंड लेटर द वाइफ ऑफ लोरेंजो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जैसे क्रेटियानो की हमने बात की, लोरेंजो की बात की, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, बट जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी इस प्ले की घूमती है, देवर एंटोनियो, बसानियो, पोर्शिया, नेरिसा, शेलॉक एंड जेसिका। अब चलिए बात कर लेते हैं ब्रीफ समरी ऑफ दिस प्ले, एंड ब्रीफ समरी में जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ब्रीफली मैं इस प्ले का एक ओवरव्यू आपको दूंगी इस स्टोरी के थ्रू। एंड दिस प्ले एंटोनियो जो होता है, जो कि एक मर्चेंट है वेनिस का, वो एंटी सेमेटिक मर्चेंट है, जो कि यहूदियों के अगेंस्ट होते हैं, एंड ही इज वो व्यापारी है, टेक्स लोन फ्रॉम अ ज्यू शेलॉक टू हेल्प हिज फ्रेंड बसानियो। उसका फ्रेंड जो बसानियो होता है, जो सूटर होता है पोर्शिया का, उसके हैंड विन करने के लिए, उससे शादी करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए बसानियो को पैसे की ज़रूरत होती है, और जो कि वो अपनी फ्रेंड के पास जाता है, एंटोनियो के पास जाता है, और एंटोनियो बिकॉज वो एक मर्चेंट है, और अभी अपने उसने जितने भी पैसे उसके पास थे उसने अपने शिप्स में लगा लिए हैं, लगा रखा है, और उसके शिप जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, तो इस वजह से वो उसको पैसे नहीं दे पाता है एंटोनियो बसानियो को, और एंटोनियो जो होता है वो शेलॉक के पास जाता है, जो कि तो उसके पास हेल्प के लिए जाता है कि यस प्लीज़ provide me loan so that I can help my friend Bosanio। तो इस तरीके से एंटोनियो शेलॉक से कुछ पैसे उधार लेता है, और वो बोलता है कि yes I will return it when my ships will come from boys, या जो एक जहाँ पे उसने अपने पैसे लगा रखे हैं, जब मेरे पैसे वो ships मेरे आएंगे तो मेरे पैसे भी आएंगे, then मैं आपको return कर दूंगा। तो वहाँ पे शेलॉक जो होता है condition रखता है कि if you will not able to return my money लोन, दैट वॉट एवर आई हैव प्रोवाइडेड, जो कुछ मैंने दिया है, तो मैं उसकी जगह पे आपसे आपका मांस का टुकड़ा लूंगा, फ्लैश लूंगा ऑफ योर बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि जो एंटोनियो होता है वो अपने लोन को, जो अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए लिया रहता है, वो उसको रिपे नहीं कर पाता है, उसको चुका नहीं पाता है शेलॉक को ऑन टाइम, एंड विदाउट मर्सी शेलॉक डिमांड्स अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश। जो शेलॉक होता है, जो एक माइजर मनी लेंडर है, वो एंटोनियो से उसके फ्लैश, उसके मांस को मांगता है, कि देयर इन प्लेस ऑफ दैट, जो कि कंडीशन हमारा एक
साइन हुआ था कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आप मेरे पैसे नहीं पे कर पाए हो, तो आपको आपके बॉडी से आप वो अ पाउंड ऑफ फ्लैश आपको देना पड़ेगा। एंड इसी टाइम पे पोर्शिया जो होती है वो एक डिस्गाइज के रूप में आती है, द हेरेस पोर्शिया एंड नाउ द वाइफ ऑफ एंटोनियोज फ्रेंड, जो एंटोनियो का फ्रेंड जो यहाँ पे बुशानी हुआ है, इसका जो फ्रेंड होता है, इसकी वाइफ होती है पोर्शिया, वो आती है एंटोनियो की हेल्प करने के लिए इन अ डिस्गाइज वे, ड्रेस्ड एज अ लॉयर एंड सेव्स एंटोनियो। और वो अपने आप को डिस्गाइज करती है एज अ लॉयर, और अपनी जो उसकी मेड सर्वेंट होती है, जो उसकी लेडी मेड सर्वेंट होती है, उससे उसके उस वो क्लर्क के रूप में आती है, डिस्गाइज होती है, और दोनों मिल करके पोर्शिया जो होती है वो एक मर्सी का लेशन साइलॉग को बताती है, और इस तरीके से वो एक कोर्ट का जो एक डिस्प्यूट होता है वो उसको विन कर लेती है, और एंटोनियो को इस कोर्ट के जो मैटर से वो उसको निकालती है, और वो इस तरीके से ये स्टोरी मर्चेंट ऑफ वेनिस की होती है, जो कि बहुत ही ब्रिलियंटली विलियम शेक्सपियर ने इसको नरेज किया है, इसको डिस्क्राइब किया है थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ एंटोनियो, शेलॉक, बिशानियो, पोर्शिया एंड हर मेड सर्वेंट्स। सो दिस वॉज द ब्रीफ समरी ऑफ दिस प्ले। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल क्या स्टोरी है इस प्ले की। और चलिए अब बात कर लेते हैं थीम्स की, वॉट आर द इम्पॉर्टेंट थीम्स इन्वॉल्व इन दिस प्ले। एंड द फर्स्ट इज प्रिजुडिस एंड इनटॉलरेंस। प्रिजुडिस एंड इनटॉलरेंस जो कैरेक्टर यहाँ पे है वो है शेलॉक का, और इनटॉलरेंस इज ऑल्सो बुशानियों के कुछ कैरेक्टराइजेशन से मिलता है, एंड ऑल्सो यहाँ पे शेलॉक के भी कैरेक्टराइजेशन से आप देखोगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थीम, प्रिजुडिस एंड इनटॉलरेंस इन्वॉल्व इन दिस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड एनिमल। दिस इज ऑल्सो a theme that was described by William Shakespeare. Next important theme in this play is law, mercy and revenge. क्योंकि जो एंटोनियो होता है वो एंटी सेमेटिक है, जो यहूदियों के अगेंस्ट होता है, एंड उसी जगह पे शेलॉक जो होता है जिससे वो एंटोनियो पैसे उधार लेता है, वो ज्यू है, वो ज्यूश एक मनी लेंडर है, और इस तरीके से एक रिवेंज लेता है शेलॉक एंटोनियो से जब वो उसके पैसे नहीं पे कर पाता है, और उसे उसके फ्लैश को मांगता है, उसके मांस को मांगता है उसकी बॉडी से। और एक तरीके का मर्सी का जो लेशन पोर्शिया उसको डिपेक्ट करती है इस प्ले में, पोर्शिया के थ्रू ये मर्सी का लेशन इसमें डिस्क्राइब किया गया है, लेशन सिखाया जाता है, लेशन दिया जाता है जो कि शेलॉक को दिया जाता है। एंड लॉ है बिकॉज ही टेक्स मनी लोन फ्रॉम शेलॉक, तो उसको रीपे भी करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस प्ले इज ग्रीड वर्सेस जेनरोसिटी। ग्रीड वर्सेस जेनरोसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम इन दिस प्ले। एंड नेक्स्ट इज लव एंड फ्रेंडशिप। लव एंड फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बिटवीन एंटोनियो एंड बुशानियो का जो फ्रेंडशिप होता है ये फ्रेंडशिप है। इसके साथ साथ लव इज बिटवीन पोर्शिया एंड बुशानियो सो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट थीम्स, प्रिजुडिस एंड इंटॉलरेंस, ह्यूमन एंड एनिमल, लॉ, मर्सी, रिवेंज, ग्रीड एंड जेनरोसिटी, लव एंड फ्रेंडशिप आर इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कोटेशंस की। एंड द फर्स्ट इज All that glitters is not gold. This is one of the famous and most quoted, most asked quotation in your exams. जो कि all that glitters is not gold is taken from this play, जो कि Merchant of Venice से लिया गया है. And this was said by Prince of Morocco. Act 2, scene 7 में ये speech या ये quotation बोला गया है Prince of Morocco के through. Next important quotation of this play is, if you pick us, we do not bleed. Merchant of Venice का ही ये quotation है. Act 3rd scene 1st से है, पोर्शिया का ये स्पीच है। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इफ इट ड्रॉफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बेनिथ। बहुत ही फेमस कोटेशन है, और ये एक पोइटिक लाइन है दैट वॉज सेड बाय पोर्शिया इन अ लॉ सीन, जो लॉ का कोर्ट का सीन होता है इस प्ले में, उसमें पोर्शिया ने ये स्पीच, ये कोटेशन, ये लाइन बोली है फॉर शेलॉक। एंड पोर्शिया का ये जो स्पीच है एक्ट 4th सीन 1st का ये कोटेशन है। एंड आई हैड डिस्कस्ड ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट कोटेशन ऑफ दिस प्ले। प्लीज फ्रेंड्स कनेक्ट रहिए चैनल के साथ में, नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का। एंड प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। एंड
Thanks a lot for watching this.